हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 8। लाइन्स रिटन इन मार्च। ये एक पोएम है जो विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने लिखी है स्प्रिंग सीजन के ऊपर। स्प्रिंग सीजन उन्होंने बताया है कि जब विंटर सीज़न जाता है और स्प्रिंग सीज़न आता है तो क्या सीन होता है, कैसा लगता है उस उनको। उन्होंने अपनी फीलिंग्स इसमें पोएम में लिखी हैं। उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या सीन होता है स्प्रिंग सीज़न आने पर। ठीक है, एक नॉर्मल से डे को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि स्प्रिंग सीज़न के बाद कैसा लगता है। ओके, तो हम रीडिंग करते हैं इसकी। द कोक इज़ क्रोइंग, द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग। सुबह सुबह मुर्गा बांग लगाता है, देखा होगा आपने, बोलता है सुबह सुबह। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, जैसे नदी में नदी बह रही है, नदी की धारा होती है वो बह रही है। द स्मॉल बर्ड ट्विटर, द लेक डोथ ग्लिटर। जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं वो चिरपिंग साउंड कर रही हैं, यानी बोल रही हैं। सुबह सुबह चिड़ियाँ बोलती है ना। द लेक डोथ ग्लिटर, जैसे ही सूरज की किरणें झील पर पड़ती हैं वैसे ही जो झील है वो चमकने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे ग्रीन फील्ड सूरज के नीचे सो रहा हो। ठीक है, जो बूढ़े और नौजवान सब अपने काम पर जा रहे हैं, अपना काम करते हैं, अपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम पे लग जाते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग, देयर हेड्स नेवर रेजिंग, देयर आर 40 फीडिंग। ये फीइंग नहीं है, फीडिंग है, FEEDING, फीडिंग लाइक वन। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो नई नई घास आ जाती है, तो जो कैटल है, कैटल क्या होते हैं, कैटल में होते हैं जैसे ये गाय भैंस जानवर जो होते हैं उनको कैटल बोलते हैं, वो घास चरने लगते हैं और ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि मतलब सब एक जैसे, वो अपना सर नहीं उठाते हैं, बिल्कुल खाने में लगे हुए होते हैं। जब वो घास चर रहे होते हैं तो अपना सर भी नहीं उठाते हैं और ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि एक जैसे, बिल्कुल 40 कैटल हैं और वो एक से लग रहे होते हैं। लाइक एन आर्मी डिफीटेड, द स्नो हैज़ रिट्रीटेड एंड नाउ डोथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द वेयर हिल। यहाँ पे विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने स्नो की कंपेयर की है आर्मी के साथ, जो हारी हुई आर्मी है उसके साथ उसकी कंपेयर की है। जब स्प्रिंग सीजन आता है, सूरज निकलता है अपनी किरणों के साथ, तो जो स्नो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है, तो ऐसी लग रही होती है जैसे कि हारी हुई आर्मी की तरह, बीमार सी। और जब उस पर पड़ती है रोशनी माउंटेन के ऊपर, मेल्ट पिघल जाती है, तो जो हिल होता है यानी चोटी है उसकी माउंटेन की, वो ओपन खुली हुई दिखाई देती है। उस पर फिर घास फ्लावर्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। द पिलो बॉय इज़ होपिंग एनोन, देयर जॉय इन द माउंटेन्स। जो पिलो बॉय है वो खुशी से चिल्लाना शुरू कर देता है एनोन, और माउंटेन पे खुशी का माहौल हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे खुशी वापस आ जाती है। देयर्स लाइफ इन द फाउंटेन्स, मोर क्लाउड्स आर सेलिंग। फाउंटेन्स और माउंटेन्स इन सब पे मतलब ज़िंदगी, ऐसा लगता है मानो जैसे स्प्रिंग सीजन आ गया तो ज़िंदगी वापस आ गई, ऐसा विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने बताया है इसमें अपनी पोएम के माध्यम से। छोटे 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 क्लाउड्स बादल तैर रहे हैं आसमान में, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, जो स्काई है वो ब्लू दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जब विंटर चला जाता है, विंटर के टाइम में क्या होता है, फॉग रहता है, कोहरा रहता है, तो इतना साफ आसमान दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है आसमान बिल्कुल साफ ब्लू दिखाई देता है और उस पर छोटे छोटे बादल तैर रहे होते हैं। द विंटर इज़ ओवर एंड गॉन, विंटर पूरा हो गया और चला गया और स्प्रिंग सीजन आ गया, तो कैसा सीन है वो इन्होंने बताया है अपनी पोएम के माध्यम से। एक नॉर्मल डे को उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया है कि बहुत अच्छा लगता है जब स्प्रिंग सीज़न आ जाता है विंटर सीज़न के बाद। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 लाइन्स की पोएम लिखनी है आपको नोटबुक में अपनी।
ओके, 8 लाइन्स की पोएम आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, और उसके बाद आपको वोकेबलरी करनी है। टू दे रखे है ट्विटर, ट्विटर होता है चिरपिंग साउंड वर्ड्स की। 40 फीडिंग लाइक वन, एक लाइन आई थी इसमें पोएम में, 40 फीडिंग लाइक वन मतलब 40 कैटल हैं जो एक साथ सेम पोस्चर में घास चर रहे हैं, बिल्कुल सेम लग रहे हैं एक जैसे। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, कोक क्रोइंग नंबर वन, स्ट्रीम फ्लोइंग नंबर टू, स्मॉल वर्ड ट्विटर, लैक ग्लिटर, ग्रीन फील्ड, स्लीपिंग इन द सन, कैटल ग्रेजिंग, प्लोबॉय हुपिंग, स्मॉल क्लाउड्स सेलिंग। ओके, उसके बाद सी व्हाट आर दे डूइंग इन मार्च मंथ, ओल्ड एंड यंग पीपल क्या कर रहे हैं, आर वर्किंग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्नो इज मेल्टिंग, कैटल आर ग्रेजिंग, क्लाउड्स आर सेलिंग। ओके, तो आपको वोकैबुलरी के बाद ये मैचिंग भी करनी है अपनी नोटबुक में। ओके, मैचिंग भी आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। उसके बाद हम करते हैं ग्रामर पोर्शन। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम फ्रॉम द पोएम, पोएम से करने हैं हमें ये राइमिंग वर्ड्स करने हैं, तो क्रोइंग का लिखेंगे हम फ्लोइंग, FLOWING फ्लोइंग, यंगेस्ट, यंगेस्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट STRONGEST स्ट्रॉन्गेस्ट, डिफीटेड, डिफीटेड का रिट्रीटेड RETREATED रिट्रीटेड, माउंटेन्स FOUNTAINS फाउंटेन्स, माउंटेन्स का फाउंटेन्स, ट्विटर ग्लिटर GLITER ग्लिटर, ग्रेजिंग रेजिंग RAISING रेजिंग, इल, इल का हो जाएगा राइमिंग वर्ड हिल HILL हिल, सेलिंग, सेलिंग का हो जाएगा प्रीवेलिंग PREBALING प्रीवेलिंग। ओके, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, लाइक एन आर्मी डिफीटेड, ये आपको पोएम में मिल जाएगा आर्मी डिफीटेड, द स्नो हैज रिट्रीटेड, एंड नाउ डोथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द वेयर हिल। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बाकी की एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो आपको वर्क बताया नोटबुक में करने के लिए, 8 लाइन्स पोएम, वोकैबुलरी, मैचिंग, आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, क्वेश्चन आंसर, और जो एक्सरसाइज रह गई है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।